मैंने बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखा है, वो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग फिल्म एंड पीपल रश्ड फास्ट टू बुक टिकट्स. वो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग फिल्म एंड पीपल रश्ड फास्ट टू बुक टिकट्स. दिखने में तो एक सिंपल सेंटेंस है, हालांकि थोड़ा लॉन्ग है, बट एक सेंटेंस है, आप ये सभी जानते हो. बट क्या आप जानते हैं कि इस सेंटेंस में यूज्ड हर एक वर्ड का अलग नाम और अलग काम है? जैसे ये जो वर्ड है वो, इसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन. ये है इंटरजेक्शन. इट, ये है एक प्रोनाउन. वॉज, ये है एक वर्ब. इंटरेस्टिंग, ये है एक एडजेक्टिव. फिल्म, ये है एक नाउन. एंड, ये है एक कंजंक्शन. पीपल, ये है नाउन. रस्ट, ये है एक वर्ब. फास्ट, ये है एक एडवर्ब. टू, ये है एक प्रेपोजिशन. बुक, ये है एक वर्ब. एंड टिकट्स, ये है एक नाउन. तो अगर आप इंग्लिश के जानकार हो, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश बनती है, तो आपको पता होगा कि ये जो वर्ड्स मैंने लिखे वो क्या है. बट अगर आप एक बिगनर हो, आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से नहीं जानते बट जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है. आपको इसे मिस नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो ये हमारी ग्रामर सीरीज की क्लास 14th है. अभी तक 13 क्लासेस हम कर चुके हैं, टेंसेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्टरी वीडियो है. इसमें हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत डिटेल में तो नहीं, बट यस, इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि आपका इस टॉपिक को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. फिर आगे हम हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक. तो ये जो वर्ड्स मैंने लिखे वो क्या है, तो जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो देखिए, हर एक सेंटेंस के अलग अलग वर्ड्स होते हैं. हर एक सेंटेंस में, जैसे ये सेंटेंस है, इसमें अलग अलग वर्ड्स यूज हुए हैं, तो ये सारे वर्ड्स के काम अलग अलग हैं और इनके अलग अलग नाम हैं. इन नामों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप का होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं. पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवा प्रेपोजिशन, सातवा कंजंक्शन, एंड 8th पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन. तो चलिए इस वीडियो में हम इस टॉपिक के मास्टर बन जाते हैं. हम सीधा चलेंगे सिस्टम पर, और इसी वीडियो के एंड तक आपको इस, ये सारे जो वर्ड्स अभी आपको बहुत अजूबा लग रहे हैं ना, ये आपको ऐसे समझ में आ जाएंगे. यानी वीडियो के एंड तक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो इसके बजाय कि हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको समझाऊँ, इट वुड बी बेटर कि हम सिस्टम पर चले और सभी वर्ड्स की डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश विद एग्जाम्पल समझ लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. उसके बाद हम व्हाइट बोर्ड पर वापस आते हैं और हम एक्सरसाइज करेंगे. हम यानी आप और मैं, यानी इसके बाद आप भी एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे. सो लेट्स गो टू द डेस्कटॉप. तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम शब्द भेद बोलते हैं हिंदी में, जिसकी डेफिनेशन है अ नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. मतलब किसी भी वाक्य में हर शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया गया है, जिसे शब्द भेद या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली 8 टाइप के होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. पहला होता है नाउन यानी संज्ञा, सेकेंड प्रोनाउन यानी सर्वनाम, थर्ड एडजेक्टिव यानी विशेषण, फोर्थ वर्ब यानी क्रिया, फिफ्थ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, सिक्स्थ कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक या फिर संयोजक, सेवन्थ प्रेपोजिशन मतलब संबंधवाचक अवयव,
और एट्थ होता है इंटरजेक्शन, जिसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक शब्द। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के एट टाइप्स होते हैं। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नाउन क्या होता है। तो नाउन की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा या नाउन कहते हैं। जैसे रिया किसी का नाम है तो एक नाउन है, पुलिस एक जाति है, एक काइंड ऑफ एक कॉमन नाउन है, एक जाति को एक इंडिकेट कर रहा है पुलिस, गर्ल कॉमन नाउन है, टेबल किसी चीज़ का नाम है, टी किसी चीज़ का नाम है, तो ये सारे नाउन हैं, दिल्ली एक जगह का नाम है तो एक नाउन है, हैप्पीनेस एक इमोशन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हैप्पीनेस मतलब खुशी, ये दिखती नहीं है पर फिर भी इसको फील किया जा सकता है, एक इमोशन है इसीलिए नाउन है, ऑनेस्टी किसी की क्वालिटी हो सकती है ऑनेस्टी, ये भी दिखती नहीं है बट ये भी नाउन है, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो नेशन, डेथ, लाइफ, क्लास, ये सारे नाउन कहलाते हैं। तो नाउन बेसिकली फोर टाइप का होता है जो कि मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है सभी के ऊपर मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगी, जहां पर आपको सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस टॉपिक पर, ओके? तो उस वीडियो का वेट करिए, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहां पर मैं आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देने वाली हूं, ओके? एग्जांपल देखिए नाउन के ऊपर, आई लाइक टी, यहां पर टी एक नाउन है। My parents like to go to beach. तो parents एक noun है और beach noun है। Priya is a kind lady. तो यहाँ पे Priya और lady noun है। He lives in Mumbai. Mumbai एक शहर है तो यहाँ पर ये noun है। तो noun I think आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं pronoun यानी सर्वनाम क्या होता है। तो a pronoun is used in place of a noun. यानी नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम या फिर प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाने वाले शब्द, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हिम, हर, दिस, देम, समवन, समबडी, एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आन्या एक अच्छी लड़की है, आन्या बहुत खूबसूरत है, आन्या को फिल्में देखना पसंद है। तो क्या ये तरीका है जैसे आप अपनी भाषा में बात करते हैं, आप किसी का भी नाम बार बार रिपीट करते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? आन्या एक अच्छी लड़की है, वो बहुत खूबसूरत है, उसे फिल्में देखना पसंद है। तो किसी भी नाम के रिपीटेशन से बचने के लिए हम उनके प्लेस पर वो, उसे, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉन्ट्स टू मैरी हर। यहाँ पे मैं अगर किसी का नाम बोलती जैसे रोहन वॉन्ट्स टू मैरी हर, तो रोहन नाउन होता, बट रोहन ना बोलकर मैंने ही बोला है तो ही यहाँ पर प्रोनाउन है। हर की जगह पे यहाँ पे प्रिया, रिया कुछ भी हो सकता था तो वो नाउन होता, बट हर लिखा हुआ है यानी नाउन को रिप्लेस किया गया है एक दूसरे वर्ड से, तो हर यहाँ पे एक प्रोनाउन है। He wants to marry her में he और her pronoun है। Second example, that is your pen. तो that is your pen में that और your pronoun है। यहाँ पे अगर that और your की जगह पे कुछ नाम वगैरह होता तो वो noun कहलाते। Third example है someone is at the door. Someone is at the door. अगर मैं यहाँ पे बोलती रियान इज एट द डोर, तो रियान नाउन होता, बट नाम की जगह पे यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट वर्ड यूज किया गया है तो इसीलिए ये एक प्रोनाउन है, Someone एक प्रोनाउन है। फोर्थ एग्जाम्पल, ही लिव्स इन मुंबई, ही यहाँ पे प्रोनाउन है। तो जब भी आप नाउन के प्लेस पे कोई भी वर्ड यूज करते हैं अदर देन द नाउन तो वो प्रोनाउन कहलाते हैं, ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक पर बहुत डिटेल में किसी और वीडियो में बात की जाएगी, उस वीडियो का आप वेट करिए। प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसको यूज करने के रूल्स होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या होता है। तो डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन।
यानी ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव किस तरीके के हो सकते हैं? गुड, बैड, इंटेलिजेंट, क्लीन, डर्टी, स्मॉल, बिग, लेजी, ब्रेव, टॉल, इस तरीके के एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है दिस गर्ल इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पे गर्ल एक नाउन है, तो दिस गर्ल इज़ ऑनेस्ट, एक लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है जो उस लड़की के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दिस गर्ल इज़ ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि वो एक नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है शी लिव्स इन अ लार्ज हाउस। She lives in a large house. अगर ऐसा होता she lives in a house, तो वो एक घर में रहती है, पर किस घर में रहती है? House एक noun है और house के बारे में information दी गई है कि वो एक large house है, यानी वो एक बड़ा house है, तो यहाँ पे large adjective है क्योंकि ये एक noun house के बारे में ज़्यादा information दे रहा है। Third example देखिए, प्रिया is a kind lady. प्रिया इज़ ए लेडी, यानी प्रिया एक लेडी है, एक नॉर्मल सेंटेंस है। लेडी एक नाउन है और प्रिया इज़ अ काइंड लेडी, यानी उस लेडी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो लेडी काइंड है, यानी दयालु है, तो ये एक एडजेक्टिव है। फोर्थ एग्जांपल देखिए, सोहा इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल। सोहा इज़ अ गर्ल, यानी सोहा एक लड़की है, तो लड़की यहाँ पे नाउन है और लड़की किस तरीके की है? लड़की ब्यूटीफुल है, यानी उस लड़की के बारे में, उस नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है ब्यूटीफुल के थ्रू, तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। तो ज़्यादातर एडजेक्टिव्स की 3 degrees होती हैं, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये भी एक अलग से सेपरेट टॉपिक है जो आपको दूसरे वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, ओके? तो ये होता है एडजेक्टिव और ये भी एक लेंथी और थॉरो टॉपिक है जिसके बारे में बहुत डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि है वर्ब। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। तो वर्ब मतलब होता है क्रिया। इसकी डेफिनेशन है, इट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो शब्द किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया, यानी किसी भी एक्शन को या उसकी स्टेट के बारे में बताता है, यानी उसकी स्थिति के बारे में बताता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। आपको आगे ज़्यादा समझ में आएगा एग्जांपल्स देखकर। तो वर्ब बेसिकली 2 types के होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? जो भी क्रिया होती है, यानी जो भी फिजिकल एक्शन होता है, उसे हम मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे ईट, स्लीप, प्ले, लाफ, यानी खाना, सोना, खेलना, हंसना, बैठना, खड़े होना, बोलना, ये सारी क्रियाएं हैं जिसमें फिजिकली काम होता है, कोई एक्शन होता है, तो ये मेन वर्ब कहलाते हैं। और वर्ब का जो दूसरा टाइप है वो है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताते हैं, उसकी स्थिति बताते हैं। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें मेन वर्ब यूज़ होगा। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट बताते हैं कि वो अभी प्रेजेंट स्टेट में है, कि पास्ट स्टेट में है, फ्यूचर स्टेट में है। तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा एग्जांपल्स देख के और एक डिटेल वीडियो में, ओके? तो एग्जांपल देखिए, सबसे पहले शी इज़ वॉकिंग। शी इज़ वॉकिंग मतलब वो चल रही है, तो चलना यहाँ पे मेन वर्ब है, कोई क्रिया है, कोई एक्शन है चलना, तो वॉक यहाँ पे वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ। और इज़ यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हुआ क्योंकि ये प्रेजेंट में हो रहा है काम, ये बता रहा है। इज़ मतलब होता है, यानी ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, तो इज़ यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आंचल इज़ गोइंग टू स्कूल। आंचल इज़ गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल यानी गो मतलब जाना, यहाँ पे जाना मेन वर्ब है, जो मेन क्रिया है वो है जाना, गो। तो आंचल इज़ गोइंग टू स्कूल में गो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब। थर्ड एग्जांपल देखिए, द डोर वॉज ओपन्ड। द डोर वॉज ओपन्ड, तो दरवाज़ा खुला हुआ था। यहाँ पे बताइए कि कौन सा काम हो रहा है। इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, यह हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, पर
वॉज यहाँ पे ये बता रहा है कि ये काम यानी ये जो एक्शन हुआ है, जो दरवाज़ा खुलने का जो काम हुआ है, वो पास्ट में हुआ था. द डोर वॉज ओपन्ड. तो वॉज यहाँ पे वर्ब हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, क्योंकि वॉज बता रहा है कि ये जो स्टेट है इस काम का वो पास्ट में है. फोर्थ एग्जाम्पल है रिया इज अ डॉक्टर. तो रिया इज अ डॉक्टर में रिया कोई काम नहीं कर रही है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है, पर इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो ये बता रहा है कि रिया इज यानी वो अभी डॉक्टर है, करंट में ये काम हो रहा है, यानी इस सिचुएशन और इस सेंटेंस का जो स्टेट है वो प्रेजेंट है, तो इसीलिए इज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है. तो वर्ब क्या हुआ, यानी वर्ब वो शब्द हुआ जो किसी भी सेंटेंस का स्टेट या फिर उसमें दिया हुआ एक्शन बताता है, उसमें क्या काम हो रहा है वो बताता है. ओके, तो आई थिंक आपका डाउट वर्ब को लेकर क्लियर हो गया है. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण क्या होता है. तो एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब मॉडिफाइज और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. यानी किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं. जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. तो एडवर्ब किस तरीके के होते हैं, बिफोर, यस्टरडे, येट, स्टिल, स्लोली, फास्ट, डिलाइटफुली, ऑब्वियसली, वेरी, ऑलमोस्ट, एट्सेट्रा. एग्जाम्पल देखिए कैसे यूज होते हैं एडवर्ब्स. शी इज़ वॉकिंग स्लोली. तो अगर मेरा सेंटेंस होता है शी इज़ वॉकिंग, तो वो चल रही है, यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है वॉक, पर वॉक किस तरीके का, यानी वॉक के बारे में, मेन वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड है स्लोली. शी इज़ वॉकिंग स्लोली, वो धीरे चल रही है. तो स्लोली एक ऐसा शब्द है जो एक वर्ब के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहा है कि वो चल तो रही है, शी इज़ वॉकिंग, बट किस तरीके का चल रही है, स्लोली चल रही है, धीरे चल रही है. तो वो शब्द जो किसी वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं. तो स्लोली इस सेंटेंस में एडवर्ब हुआ. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, रिया इज वॉकिंग वेरी स्लोली. तो मैंने आपको डेफिनेशन में जस्ट अभी ये बताया कि ऐसा शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. तो यहाँ पे स्लोली हमारा एक एडवर्ब था, पर वेरी एक ऐसा शब्द है जो उस एडवर्ब के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. जैसे रिया इज़ वॉकिंग, रिया चल रही है, रिया इज़ वॉकिंग स्लोली, रिया धीरे चल रही है. तो स्लोली ने वॉकिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, तो वो एक एडवर्ब हुआ. पर रिया इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली, यानी रिया कितना धीरे चल रही है, बहुत धीरे चल रही है. तो वेरी एक ऐसा शब्द है जो उस एडवर्ब के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी वेरी स्लोली. तो वेरी भी एक एडवर्ब है. थर्ड एग्जांपल देखिए, एनी इज रियली एन इंटेलिजेंट गर्ल. तो यहाँ पे इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वो गर्ल नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. पर रियली एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव इंटेलिजेंट के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. जैसे एनी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो एनी एक होशियार लड़की है, पर एनी सच में एक होशियार लड़की है. तो रियली एक ऐसा वर्ड है जो उस इंटेलिजेंट के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो रियली यहाँ पर एक एडवर्ब है. फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, ही इज लिविंग हैप्पीली इन हिज न्यू हाउस. तो लिव यहाँ पे मेन वर्ब है, लिव मतलब रहना, तो वो अपने नए घर में रह रहा है. ही इज लिविंग इन हिज न्यू हाउस, पर कैसे रह रहा है, लिविंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो हैप्पीली रह रहा है, यानी खुशी से रह रहा है. तो ये एक एडवर्ब है, क्योंकि ये एक वर्ब लिविंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी ऐसा शब्द जो किसी वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे उसे हम एडवर्ब बोलते हैं. आई थिंक आपको एडवर्ब समझ में अब आ गया होगा. और डिटेल में पढ़ने के लिए एडवर्ब के ऊपर हमारे आने वाले वीडियो का वेट करिए. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि है कंजंक्शन. तो कंजंक्शन क्या होते हैं, अ वर्ड दैट जॉइंट्स टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और क्लॉसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन. यानी ऐसा शब्द जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए किस तरीके के होते हैं कंजंक्शंस, सच एज, बोथ,
एंड और एज वेल एज एल्स बट ईदर और नीदर नॉर या नो सूनर देन दैट एट्सेट्रा ये सारे कंजंक्शंस कहलाते हैं. कंजंक्शंस बेसिकली दो सेंटेंसेस में रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स की रिपीटेशन को रोकने के लिए और उनको शॉर्ट और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल देखिए तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है. यहाँ पे दो सेंटेंसेस है. पहला अभय इज रॉन्ग मतलब अभय गलत है और दूसरा हिज फ्रेंड इज रॉन्ग मतलब उसका फ्रेंड गलत है. अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे तो ये सेंटेंसेस में इज रॉन्ग रिपीट हो रहा है और बोलने में अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है. पर अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ अभय एज वेल एज हिज फ्रेंड इज रॉन्ग तो ये सेंटेंस शॉर्ट भी हो गया, इज रॉन्ग हमें रिपीट भी नहीं करना पड़ा. तो एज वेल एज एक कंजंक्शन है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. पहला हमारे पास एक सेंटेंस है हरी अप और दूसरा यू विल गेट लेट. तो यहाँ पर इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन यूज़ किया गया है एल्स. हरी अप यानी जल्दी करो, एल्स नहीं तो यू विल गेट लेट. तो यहाँ पे एल्स एक कंजंक्शन है जो दो सेंटेंसेस को दो फ्रेसेस को आपस में जोड़ रहा है. तो वो सारे वर्ड्स जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस दो क्लॉसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं. तो कंजंक्शन इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हर एक वर्ड को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है. तो इन्फॉर्मेशन सेंटर के साथ आप जुड़े रहिए, मैं आपको धीरे धीरे करके सारे कंजंक्शंस बता दूंगी जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी इंग्लिश बोलने में. एनीवे नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन को हम हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक अवयव. ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का. डेफिनेशन देखिए, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं. अ वर्ड दैट शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रेपोजिशन. मतलब एक सेंटेंस में ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं. प्रेपोजिशंस ज़्यादातर नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है और उसका रिलेशन दूसरे वर्ड्स के साथ बताता है. प्रेपोजिशंस किस तरीके के होते हैं. इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑफ, आउट, इनटू, ऑनटू एंड सो ऑन. एग्जांपल देखिए. पहला एग्जांपल है हमारे पास द बुक इज़ ऑन द टेबल. द बुक इज़ ऑन द टेबल. तो द बुक यहाँ पर नाउन है और टेबल भी नाउन है. तो बुक का टेबल के साथ रिलेशन एक वर्ड बता रहा है ऑन, यानी किताब टेबल के ऊपर रखी है. तो ऑन यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है. सेकेंड एग्जांपल है राम इज स्टडीइंग इन हिज रूम. तो राम कहाँ पढ़ रहा है. राम अपने रूम में पढ़ रहा है. तो राम एक नाउन है जिसका रिलेशन रूम के साथ है इस तरीके का कि राम रूम के अंदर पढ़ रहा है इन हिज रूम. तो इन एक प्रेपोजिशन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही लिव्स इन मुंबई. वो मुंबई में रहता है. इन एक यहाँ पे प्रेपोजिशन है. नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल है आर्यन इज स्टैंडिंग एट द डोर. आर्यन इज स्टैंडिंग एट द डोर. आर्यन एक नाउन है जो कि दरवाजे पर खड़ा है एट द डोर. तो एट यहाँ पे प्रेपोजिशन है. तो ऑन, इन, एट ये सारे प्रेपोजिशंस हैं जो कि एक नाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ बता रहे हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है इंटरजेक्शन. तो इंटरजेक्शंस क्या होते हैं. इंटरजेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक. डेफिनेशन है इसका, इंटरजेक्शन इज रिटर्न विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब एक लाइन एंड उसके नीचे डॉट. एंड इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन. यानि इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो अचानक आए किसी भी भाव को दर्शाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं. किसी भी आए अचानक भाव को, जैसे अगर आप अचानक बहुत खुश हो गए तो आप बोलते हैं हुर्रा या वो, इस तरीके से आप अपनी खुशी दिखाते हैं. हुर्रा वी वॉन द मैच, वो दैट्स अमेजिंग, इस तरीके से आप अपना जॉय अपना आनंद दिखाते हैं. तो ये एक इंटरजेक्शन वर्ड हुआ. नेक्स्ट आप अपना सॉरो यानी दुख दिखाने के लिए बोलते हैं अलास या आह, ओ, आउच, इस तरीके के वर्ड्स. जो भी आपके अचानक आए किसी भी भाव को जो वर्ड दिखाए वो इंटरजेक्शन कहलाता है. वैसे ही सरप्राइज के लिए हम बोलते हैं वाव, या ग्रीटिंग्स के लिए हम बोलते हैं हेलो, हाय, लुक, लिसन, इस तरीके के वर्ड्स इंटरजेक्शन कहलाते हैं. एग्जांपल देखिए,
जैसे खुशी से आप बोलते हैं हुर्रा वी वॉन द मैच, यानी हम जीत गए मैच। या सेकेंड एग्जाम्पल आप बोलते हैं आह इट हर्ट्स, मतलब ये दुखता है, तो हम ऐसा बोलते हैं ना आह। तो इनका, इन वर्ड्स का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, ये जस्ट आपका आपका सडन इमोशन दिखाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं वो व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, आप बहुत खुशी से बहुत आश्चर्य में ऐसा बोलते हैं। या नेक्स्ट आप ऐसा बोलते हैं व्हाट, व्हाट आर यू सेइंग, तो व्हाट आपके बहुत सरप्राइज को बहुत आश्चर्य को दिखाता है। तो इस तरीके से इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स वो होते हैं जो आपके सडन इमोशन को दिखाते हैं। तो ये थे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अब आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने डिटेल में समझ लिया। अब चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और ये सारे लेसन के ऊपर एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपका डाउट अगर कोई बचा है तो वो क्लियर हो जाए और आपका एक बार रिवीजन हो जाए। ओके, नाउ लेट्स स्विच टू द व्हाइट बोर्ड। ओके, सो इसके साथ ही वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं जहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज। बहुत छोटी एक्सरसाइज है बट इससे आपको पता तो चल ही जाएगा कि ये लेसन आपके लिए यूजफुल था कि नहीं, यानी जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया कि नहीं। तो इससे पहले कि मैं आपको आंसर्स बताऊं विद डिटेल, आप खुद ट्राई करिए, इस वीडियो को यहीं पर पॉज करिए और इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। आपको बताना क्या है, इन सेंटेंसेस में जो रेड वर्ड्स लिखे हुए हैं वो आपको बताना है कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये ब्यूटिफुल, शी, अंडर, ये सब क्या है। तो वीडियो के पॉज करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगी, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, बट अगर आपने सही बता दिया था मेरे बताने के पहले तो इसका मतलब ये लेसन आपके लिए क्लियर है। बट ये लेसन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये क्लास 14th है ग्रामर सीरीज की। क्लास 15th से हम हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यानी हम क्लास 15th में पढ़ेंगे जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज नाउन। नाउन कितने टाइप के होते हैं, नाउन क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रामर क्लास में, राइट। बट इसके पहले फिलहाल हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने की ट्राई करो, अब आप देखो कि आपने सही बताया कि नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना जो पहला हमारा सेंटेंस है। तो ये हमारे पास सेंटेंस है आई बॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस, आई बॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस। तो हमें बताना है कि ब्यूटिफुल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आई थिंक आपको समझ में इतना तो आ गया होगा कि ये हमारे पास ड्रेस है जो कि एक नाउन है, राइट, नाउन। और जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, इस सेंटेंस का मतलब है आई बॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस, यानी मैंने एक बहुत सुंदर ड्रेस खरीदा। तो मैंने एक ड्रेस खरीदा, इतना सिंपल है, बट ड्रेस के बारे में एक खासियत बता रहा है वर्ड ब्यूटिफुल, उसकी विशेषता बता रहा है कि ड्रेस बहुत ब्यूटिफुल है, राइट। तो ये जो वर्ड है वो है एक एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो ब्यूटिफुल एक एडजेक्टिव है, क्लियर है इतना। अब आगे देखो, व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू, तो यहां पर शी क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब देखो, आपको पता है कि नाउन मतलब किसी व्यक्ति का नाम है ना। अब यहां पर हमने बोला था कि जो नाउन के प्लेस पे जो वर्ड्स यूज होते हैं दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन्स, राइट। तो यहां पर शी लिखा हुआ है, यानी किसी का नाम हो सकता है ना। व्हाट डिड रिया आस्क यू टू डू, रिया ने तुम्हें क्या करने के लिए कहा था, तो यहां पर कोई वर्ड हो सकता था, बट उसकी जगह पे हमने एक अलग वर्ड यूज किया जो कि है शी, यानी नाउन का रिप्लेसमेंट वर्ड यूज किया हमने। तो ये एक प्रोनाउन है, शी क्या है, ये है एक, यहां पे मैं लिख देती हूं, ये है एक प्रोनाउन, क्लियर। नेक्स्ट देखो, आई लेफ्ट माई शूज अंडर द टेबल, आई लेफ्ट माई शूज यानी मैंने अपने जूते टेबल के नीचे छोड़ दिए, तो यहां पर वर्ड अंडर क्या है, ये है एक प्रेपोजिशन। क्यों, क्योंकि वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन का वर्ड के सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन बताते हैं, यानी ये एक नाउन है, ये इसका रिलेशन एक दूसरे नाउन के साथ बता रहे हैं कि ये इसके नीचे था, राइट, ये इसका इसके साथ रिलेशन बता रहा है, तो ये है एक प्रेपोजिशन। आगे जब हम नेक्स्ट ग्रामर की क्लासेस करेंगे तो हम हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन एक बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, इन, ऑन, एट, अंडर, ऑनवर्ड्स और पता नहीं आउटवर्ड्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना जो हम हर एक वीडियो में पढ़ेंगे,
तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस सीरीज में। करना आपको सिर्फ इतना है कि मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। धीरे धीरे हम सीरीज की सारी क्लासेस कवर करेंगे, एक साथ करें जरूरी नहीं है, बीच बीच में हम स्पोकन के अदर लेसन्स भी करेंगे तो, लेकिन ये ग्रामर सीरीज में हम ग्रामर सारी खत्म जरूर करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन सेंटर के साथ कनेक्टेड रहिएगा, राइट। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और आप इसके पहले जो हमने 13 क्लासेस कर ली हैं ग्रामर की वो आप देखना चाहते हो, तो मैं नए व्यूवर्स को इन्फॉर्म कर दूं कि वो सारी क्लासेस की वीडियो है जो आपको हमारे प्लेलिस्ट में ग्रामर सीरीज में मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हो, सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। बाकी इसके बाद आप आगे की क्लासेस अटेंड कर पाओ उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ठीक है, आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखो, ही फिनिश्ड हिज वर्क क्विकली। तो यहाँ पर क्विकली क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आप बताओ। तो देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म किया, ठीक है, पर कैसे, यानी काम खत्म करने का, यानी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। काम तो खत्म किया पर काम बहुत क्विकली खत्म किया, तो इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है ये वर्ड क्विकली, यानी बहुत क्विकली, बहुत जल्दी काम खत्म किया, राइट। तो यहाँ पर क्विकली एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये वर्ड फिनिश्ड ये इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है कि उसने काम तो खत्म किया पर क्विकली खत्म किया, ठीक है, तो ये एक एडवर्ब है। तो अगर आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छा है, बट आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आपका सारा पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो चुका है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में पढ़े जाने लायक है, कितने टाइप के होते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, तो इतने में सेटिस्फाइड मत हो जाना, ठीक है। देखते हैं हमारा लास्ट सेंटेंस आज का, जो कि है ओ आई थॉट यू अंडरस्टूड द लेसन, यानी ओ मुझे लगा कि तुमने लेसन समझ लिया। तो ये कौन सा वर्ड है, ये है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शंस के कोई एग्जैक्टली मीनिंग्स नहीं होते हैं, ये जस्ट आपको आपका फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं, तो ओ इसका कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स टाइप के वर्ड्स होते हैं। एंड उसके बाद ये जो एक्सक्लेमेशन साइन होता है, इससे सिंपली क्लियर हो जाता है कि ये वर्ड है वो इंटरजेक्शन है, क्लियर है। सो ये लेसन सिर्फ यहीं तक था। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके जो डाउट था वो क्लियर हो गया, जो फियर था वो भी क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, इसमें सीखने लायक चीज़ें बहुत हैं, बट कुछ डिफिकल्ट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फॉर लाइफ आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर डरेंगे नहीं, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आज का लेसन आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे किसी भी सोशल मीडियम पर आप एक्टिव हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वहाँ पर शेयर भी करिएगा। हो सकता है किसी की हेल्प हो इस वीडियो के थ्रू, ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो ज़्यादा लोग इस चैनल तक पहुँचेंगे, तो ओवरऑल लिटरेसी स्प्रेड होगा, विच इज़ एक्चुअली ए नोबल कॉज। तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, ना सिर्फ ये, कोई भी, राइट। तो वीडियो को शेयर करिएगा। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है वहाँ पर आपको टच करना है, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको टच करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट फिर इंग्लिश सीख सकते हैं, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप नए व्यूअर हैं यहाँ के और आप इसके पहले की जो क्लासेस हैं ग्रामर की वो अटेंड करना चाहते हैं, हमारी 13 क्लासेस हो गई हैं, 10th हमने क्लियर कर लिया है, तो अगर वो क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर ग्रामर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ पर आप वो वीडियोस देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप वीडियोस देख सकते हैं, ओके। तो चलिए फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करूंगी, बट उसके पहले अगर अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है sonam_asrani, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।